संभल में हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी को लगी गोली। यूपी के संभल में मुठभेड़ की सूचना पर दो बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने घेरा। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर की ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। दोनों बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिस दौरान एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी को गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बदमाश का दूसरा साथी फरार हो गया। घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार आरोपी की तलाश में जारी पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश पर 15,000 रुपए का इनाम है। वहीं एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। ये पूरा मामला थाना बहजोई इलाके के परतापुर का है। बहजोई थाना क्षेत्र में ये संभल बहजोई रोड पर परतापुर क्षेत्र में एक अपराधी की सूचना मिली थी, जिसकी घेराबंदी की गई थी। उसको रोकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल चंद्रशेखर घायल हुआ और ये अपराधी एक घायल हुआ। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी जब इसकी शिनाख्त पहचान की गई तो इसके बारे में जानकारी मिली है कि ये अपराधी सुलेमान नाम का है, जो 15,000 का इनामिया है और जो हमारा बहजोई थाना है वहाँ से ये वांछित है। इसको अभी और पता किया गया, जो क्रिमिनल हिस्ट्री इसकी पता की गई है, लगभग एक दर्जन मुकदमे हैं इस पे। लूट के, सीएस एक्ट के, मारपीट के, चोरी के, तमाम तरीके के अपराध ये करता था, गैंगस्टर था ये। और अभी ये मुठभेड़ में घायल हुआ है। इसका एक साथी मौके से फरार हो गया है। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल मिली है, तमंचा मिला है, कई कारतूस मिले हैं और इन सभी को कब्जे में लेकर के कार्रवाई की जा रही है।